रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेके आए हैं जो कि पिशावर के चर्सी टिक्का रेस्टोरेंट की चर्सी टिक्का कढ़ाई है जो कि हम चिकन में बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले और घी को हम व्यूअर्स हमने इसमें 2 प्याली घी डाल दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक का डालेंगे, 1 और ये हाफ और ये हम डाल देंगे और इसको गरम होने देंगे। फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये चिकन ऑयल पहले ज़्यादा डलता है, फिर बाद में हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो रख लेंगे और फिर इसको बाकी को अभी इसमें बॉयल आता है तो फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हम इसमें चिकन डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। नमक इसमें हमने 1 चम्मच डाल दिया होगा। व्यूअर्स, अब इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें इसमें से जो फालतू एक्सेस घी है हम उसको निकाल देंगे। और ये व्यूअर्स, ये चीज़ तैयार रखिएगा, ये तेज़ आंच पे ही बनेगी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको उसके बाद सारा इसको अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। पहले इसको फ्राई करके तो फिर इसमें से जो फालतू घी है उसको बाहर उसको निकाल देंगे। अभी ये फ्राई हो रहा है। व्यूअर्स, हमें 5 से 7 मिनट हो गए इसको फ्राई करते हुए और बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर आया। अब हम जो एक्सेस और घी है इसमें उसको निकाल देंगे। और इसमें मुनासिब जिसमें इसकी बाकी कुकिंग हो जाए वो घी हम इसमें छोड़ेंगे। हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं।
और अदरक लहसुन का पेस्ट जिसको हमने पानी में मिक्स किया हुआ है ये सारा इसमें ऐड कर देंगे। इसको एक दफा अच्छी तरह हिला देंगे। ये बड़ी खूबसूरत ये कढ़ाई है। अब इस आपको ये पता है कि पेशावर के लोग मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं। अब इसमें हम इसका टमाटर का छिलका उतार के और इसको अच्छी तरह भूनेंगे और फिर इसमें सिर्फ एंड में काली मिर्च पाउडर वो शामिल करके तो इसको फाइनल करेंगे। व्यूअर्स अभी इसका ढक्कन बंद करके इसको स्टीम पर रख दें। व्यूअर्स हमने इसको 5 मिनट का दम दिया है जिसके बाद इसका छिलका ये बड़े आराम से खुद ब खुद ही उतरना शुरू हो गया है। हम सब सारे टमाटरों का छिलका उतार देंगे। व्यूअर्स सब टमाटरों के छिलके उतर गए। अभी इसको हम इजीली इनको मैच कर लेंगे। अब हम इन सबको अच्छी तरह इसमें मिक्स करके इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे के इसको बंद कर देंगे ताकि ये मज़ीद इसमें अपने पानी में ये गल जाए। तकरीबन 5 मिनट बाद इसका ढक्कन उठा के इसको अच्छी तरह इसको भूनने ठीक है। अब इसमें हमारा सिर्फ काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड होगा और हमारी मज़ेदार ये कढ़ाई अब ये तैयार है सर्विंग के लिए। अब हम इसमें पाउडर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह अब ये मिक्स कर लेंगे। आप ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है और साइडों पे इसने ऑयल छोड़ दिया बेहतरीन और मज़ेदार चिकन कढ़ाई सर्विंग के लिए तैयार है। व्यूअर्स माशाल्लाह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई तैयार होगी। आप इसको ज़ीरा के रायता के साथ और नान के साथ अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। नाज़रीन
आपको ये अपना व्यूअर्स, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया आपका।